एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्या पता है कई लोगों के लिए ना पहरा टेबल जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल सा हो जाता है। पता नहीं कैसे याद होगा, हम लोग कैसे याद करते थे? 2 का 2 2 4 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, मतलब हिंदी में। इंग्लिश वाला जो रहेगा ना CBSE वाला, वो क्या बोलेगा? 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, कैसे करता है वो? हाँ, 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। बिहार बोर्ड वाला चाहे कोई रहता है ना तो कैसे बोलता है? 2 का 2 2 2 4 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, आधा मुंह में आधा एकदम। अब बचपन में ऐसा रहता है ना कि मतलब टेबल सुनाने का जो जल्दी सुना देगा उसका लगता है नाम गिनीज बुक में दर्ज हो जाएगा, इतना फास्ट एकदम है। होता है कि नहीं होता है? तो देखो, सिंपल सा बात है, कोई भी बंदा होगा ना उसको कम से कम 2 से लेकर के 10 तक तो याद होगा ही होगा। कहिएगा कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ भाई, अगर 10 तक याद है ना तो आज मैं 1 से लेकर के 100 तक का पहरा आपको करवा दूंगा। टेबल जो होगा ना 1 से लेके 100 तक, ये आप कैसे कर सकते हैं वही मैं इसमें बात करने वाला हूँ। एकदम यूं ही यूं उसके बाद तक टेबल का धुआं धुआं आप लोग उड़ाओगे एकदम, है कि नहीं? तो मैं बताना शुरू करूँ क्या? 1 मिनट, रेड पेन ले लेते हैं। हाँ चलिए, तो सिंपल सा बात है कि जैसे कि ना इतना तो आपको पता होगा ना, जैसे कौन सा टेबल बताया आप ही बताओ। 36, 36 है मान लो, है ना? 36 का टेबल अगर आपको लिखना है ना, चलो देखो सिंपल सा बात है ना, इसको बीचे बीचे 2 पार्ट में बांट दो। भाई क्या कर रहे हैं जी? अब 3 का टेबल लिखो 6 का टेबल लिखो। 3 का क्या लिखेंगे? 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। इधर 6 का लिख दो, 6 का 6, 6 2 12, अच्छा आधा ही नहीं, 12 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। इतना लिख लिया ना, इसके बाद क्या करना है ना, इसको कंबाइन करना शुरू कर दो। कंबाइन क्या करना है, जैसे देखो सिंपल सा बात है, ये 36 है तो 36 यहाँ पे ले आएगा, है ना? राइट साइड वाला जितना डिजिट है ना पहले उसको यहाँ पे मेंशन कर दो, है ना? इस दोनों को आपस में जोड़ो, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7, ठीक है? इधर वाले में करते हैं तो ये 8 लिखा जाएगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 10। इधर क्या हो जाएगा? 4 का 4 हो जाएगा, 12 में 2। जो देखो इधर से सिर्फ हमको सिंगल डिजिट ही लेना है, और जो इसका जो सेकेंड डिजिट है ना उसके इस वाले में जोड़ देना है। 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14। इधर करते हैं 0 का 0 हो जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। और इधर 6 का 6 हो जाएगा, 18 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 21। इधर 2 का 2 हो गया, और 21 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, है ना? अब यहाँ पे जैसे 8 का 8 हो गया, 24 में 4 जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 28। 4 का ये 4 लिख दिए, उसके बाद 27 में 5, मतलब 27 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32। ये हो जाएगा 0 का 0, और 30 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। इसका टेबल 36 का टेबल एकदम पूरा रेडी हो गया। आपको लगा अच्छा 36 का हो सकता है आपको याद होगा? कहने के लिए तो बंदा कुछ भी कह सकता है ना। चलिए मैं कौन सा ले सकता हूँ, जैसे 68 का ले लेता हूँ। 68, भाई अब तो भरोसा करो ना कि हाँ 68 का है, तो थोड़ा सा 68 वाला तो एकदम, इसको सिंपल सा बात है 2 पार्ट में बांट लेना। 6 का पहले पहरा यहाँ पे जो टेबल है ना उसको लिख देना है, जैसे 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 हो गया 60, और 8 का 8 2 16, 8 3 24, हाँ ये सामने सामने बस लिखना है, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 हो जाएगा 48, 8 7 हो गया 48, 8 7 हो गया 56, 8 8 हो गया 64, 8 9 हो गया 72, 8 10 हो जाएगा 80। इतना टेबल लिख लिए ना, मतलब 6 का 8 का दोनों का लिख लिए। अब क्या करना है ना, इसको कंबाइन करना शुरू कर देना। जैसे 68 है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 60 80 हो जाएगा,
इसका राइट वाला जो डिजिट है ना सिर्फ वो हमको यहाँ पे लिखना है, और इधर का जो है ना देखो जैसे यहाँ पे 16 में 16 में तो दो डिजिट है ना, तो 6 यहाँ पे लिख दिए, और ये जो 1 जो है ना 1 इसमें जोड़ देना है, तो 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। इधर क्या लिखे, इधर 4 का 4 लिख दिए, 18 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। इधर 2 का 2 लिख दिए, 24 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। इधर 0 का 0 लिख दिए, 30 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। 8 का 8 लिख दिए और 36 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, है ना। ये 6 का 6 लिख दिए, 42 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 47। 4 का 4 लिख दिए, 48 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। ये 2 का 2 लिख दिए, 54 में 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, जाएगा 61। ये 0 का 0 हो गया, और 60 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, जाएगा 68। देखो 68 का टेबल हो गया यहाँ पे रेडी। एक कोई और मैं बता देता हूँ, जैसे आपके मन में आएगा कौन सा बताओ, अभी बताओ जैसे 89, 89 का टेबल है ना, सिंपल सा बात है, इसको दो पार्ट में एकदम बांट दीजिए, बीचों बीच 8 का टेबल लिख लो। 8 का लिखेंगे क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा हो जाएगा 48, 8 7 जा हो जाएगा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा हो जाएगा 72, 8 10 जा हो जाएगा 80। 9 क्या करेंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 3 जा हो जाएगा 27, 9 4 जा हो जाएगा 36, 9 5 जा हो जाएगा 45, 9 6 जा हो जाएगा 54, 9 7 जा हो जाएगा 63, 9 8 जा हो जाएगा 72, 9 9 जा हो जाएगा 81, 9 10 जा हो जाएगा 90। 8 का और 9 का दोनों का लिख लिए, अब हमको कंबाइन क्या करना है, यहाँ पे 8 9 है तो 89 लिख दो, है ना। इधर 8 के 8 लिखा गया, अब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, जो ये वाला जो डिजिट है ना इसको इसमें जोड़ देना है, तो 16 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। इधर 7 का 7 लिख दिए, और 24 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 26 हो जाएगा। इधर 6 का 6 लिख दिए, और 32 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। ये 5 का 5 लिख दिए, 40 में 4 जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 हो जाएगा। इधर 4 का 4 लिख दिए, 48 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 53। 3 का 3 हो गया यहाँ पे, 56 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, जाएगा 62। यहाँ पे 2 का 2 हो गया, और 64 में 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 64 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 71। इधर 1 का 1 हो गया, फिर उसके बाद हो गया 72 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 80, है ना। ये हो गया 0 का 0, 80 में 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 89। आई थिंक आपको यही तरीका अपनाना है 1 से लेकर के 100 का, मतलब 10 तक तो आपको याद रखना, उसके बाद कोई भी होगा ना 100 तक इसी ट्रिक के साथ एकदम पूरा हो जाएगा। इस तरीका अगर ये पसंद है ना तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का ट्रिक चाहते हैं, कुछ और आपके मन में है तो आप कमेंट कीजिए, उसका ट्रिक बना करके हम लाएंगे एकदम पूरा आपके पास एकदम, है ना। ऐसे ही कुछ कुछ रहेगा तो मैं लाता रहूँगा, ये जो मैं एक नया प्लेलिस्ट बना दिया हूँ ना, ठीक है, उसमें खाली ट्रिक ही चीज सब रहेगा, तो ताकि हाँ आप ये सीखिए, अपने से छोटे बड़े जो भी है उन सबको सिखाइए। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।